तो गाइस मैं वापस आ गया हूँ टॉप अप वाली वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप अप इवेंट बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट टॉप अप इवेंट हमारे गेम के अंदर क्या मिलने वाला है, क्योंकि यार मेरे सब्सक्राइबर्स को ना टॉप अप वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट गाइस उसके अलावा भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है OB31 अपडेट्स। यस गाइस, अभी लगभग 20 से ज़्यादा दिन बचे हुए हैं OB31 अपडेट आने में। फिर भी मुझे कुछ लीक्स एंड अपडेट्स मिल चुके हैं जो कि हमें नेक्स्ट मतलब OB31 अपडेट में देखने को मिलने वाले हैं। तो यार सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। एंड गाइस आई थिंक सो मेरी पहली वीडियो रहेगी यार जिसमें OB31 अपडेट की बात हो रही होगी। तो गाइस वीडियो पे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब बटन पर वन टाइम मारना और बेल आइकन को ड्रैग करके ऑल पे सेट कर देना है। बहुत ही इजी काम है गाइस प्रो लोगों के लिए और मुझे पता है आप लोग कर ही लोगे। तो प्लीज़ सबसे पहले जाके सब्सक्राइब बटन पर वन टाइम मार दो और बेल आइकन को ड्रैग करके ऑल पे सेट कर दो। तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस नेक्स्ट इंक्यूबेटर, क्योंकि इस अपडेट में एक ही इंक्यूबेटर दिया गरीना ने और जो बंडल्स थे वो एक वेब इवेंट में दे दिए। तो नेक्स्ट इंक्यूबेटर क्या होगा? तो गाइस जो नेक्स्ट इंक्यूबेटर होगा वो भी गन का इंक्यूबेटर होगा, और बिलीव मी और नॉट नेक्स्ट गन का इंक्यूबेटर होगा M1887 का। यस गाइस, चार हमें M1887 देखने को मिलने वाली है नेक्स्ट इंक्यूबेटर में। मतलब कतई जहर इंक्यूबेटर आने वाला है गाइस नेक्स्ट। अगर आपके पास वाउचर्स वगैरह हैं और वो एक्सपायर नहीं हो रहे तो बचा के रखना, क्योंकि लिटरली M1887 का इंक्यूबेटर यार एक ना एक गन तो निकालना बनता ही है। तो 100% कंफर्म न्यूज़ है गाइस, नेक्स्ट इंक्यूबेटर हमें M1887 का देखने को मिलेगा। चार स्किन आएगी, देख सकते हो चार स्किन के नाम आपके सामने हैं। तो सबसे पहला टेरेनो ब्रस्ट, और जो भी नाम है यार लिटरली मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इतनी जल्दी जल्दी, बट आप समझ लेना ये चार गन चार स्किन हमें देखने को मिलने वाली है नेक्स्ट इंक्यूबेटर में। एंड गाइस इतना ही नहीं, ग्लो वॉल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्लो वॉल भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नेक्स्ट अपडेट में गाइस हमें 7 ग्लो वॉल की स्किन देखने को मिलने वाली है गाइस, लिटरली 7 ग्लो वॉल की स्किन। और ये रहे वो सातों के नाम, पढ़ लेना फिर से क्योंकि मैं एकदम जल्दी जल्दी पढ़ नहीं पाऊंगा। बट बाकी लिटरली गाइस 7 ग्लो वॉल, मतलब आप समझ सकते हो कम से कम 3 ग्लो वॉल हमें टॉप अप रिवॉर्ड में देखने को मिलेगी नेक्स्ट अपडेट में। और 3 नहीं, मैं तो बोलूँगा कि कम से कम 4 ग्लो वॉल टॉप अप रिवॉर्ड में देखने को मिलेगी। एंड गाइस नेक्स्ट अपडेट में मनी हाइस्ट का शायद से फिर से कोलैबोरेशन हो रहा है फ्री फायर के साथ में। हो सकता है मनी हाइस्ट की कोई नई सीरीज आई हो, नया पार्ट आया हो या कुछ भी नया आया हो। तो गाइस फिर से हमें कुछ कोलैबोरेशन वाली चीज़ है मनी हाइस्ट के साथ देखने को मिल सकती है गेम के अंदर, जो कि आएगा हमारा OB31 अपडेट में ही। नेक्स्ट अपडेट है भाई, मनी हाइस्ट का आइटम्स बहुत ही कूल थे गाइस, जितने भी आए थे ग्लोवल को छोड़कर, ग्लोवल बहुत ही टट्टी थी, बट बाकी गाइस सारे आइटम बहुत कूल थे। और हमें फिर से कुछ अच्छी चीज़ें मनी हाइस्ट की थीम पे देखने को मिल सकती है गेम के अंदर। अब बात कर लेगा इस फिस्ट की स्किन की, तो नेक्स्ट अपडेट में 2 फिस्ट की स्किन हमें देखने को मिलने वाली है। देख सकते हो एक फैंटम फिस्ट है और एक है फ्रोजन फ्लेम पंच। तो ये 2 फिस्ट की स्किन हमें नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिलेगी, और आई थिंक सो ये किसी कोलैबोरेशन पर नहीं है बट ये किसी वेब इवेंट पर डिपेंड कर सकती है। तो बहुत ही कूल होने वाली है, जैसे ही इन सबकी वीडियोस वगैरह सामने आ जाएगी तो मैं आपको अपनी फ्यूचर वीडियोस में बता दूंगा। बाकी एक लास्ट बात कर लेते हैं हम एलाइट पास की। तो यस गाइस एलाइट पास के नाम सामने आ चुके हैं, जो कि नेक्स्ट 2 एलाइट पास होंगे हमारे OB31 अपडेट के। तो सीजन 44 वाला एलाइट पास होगा कंटेन्स प्लैनेट रॉज, मतलब ये हमारे प्लैनेट या फिर बोलो तो गैलेक्सी की थीम पर होने वाले हैं या उस टाइप के दिख सकते हैं। फिर सीजन 45 का जो एलाइट पास होगा वो होगा पपायरस रेबल समथिंग, ऐसे ही कुछ नाम है। तो गाइस अभी तो सिर्फ नाम सामना है, बाकी डिटेल्स भी जल्दी पता चल जाएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट करता जाऊंगा। फिर गाइस एक पैट की बात कर लेते हैं, पैट हम कैसे मिस कर सकते हैं, हर अपडेट में एक नया पैट हमें देखने को मिलता है और बहुत ही कूल पैट लाता है गरीना। बट गाइस जो नेक्स्ट पैट आएगा वो लिटरली बहुत कूल होने वाला है, और वो होने वाला है यति। यस गाइस यति, अगर आपको यति पता नहीं हो तो ये एक तरीके का दानव है जो बर्फीले इलाकों में बर्फीले जंगलों में माना जाता है कि रहता है, मतलब एक मॉन्स्टर है ये एक तरीके का। बाकी गाइस बहुत ही कूल होने वाला है ये पैट, मैं लिटरली बोल सकता हूँ। इसका एबिलिटी क्या होगी वो अभी पता नहीं चली है, बट आई डोंट नो एबिलिटी को लेकर कुछ भी गरीना दे सकता है, क्योंकि पैट के लिए ज़्यादा खास एबिलिटी गरीना के पास बची नहीं है। बस ये पैट में भी रिवाइव वाला ऑप्शन नहीं देते, पता चला कि आपका पैट जाके किसी को रिवाइव कर रहा है। तो गाइस बहुत ही कूल चीज़ें आ रही है OB31 अपडेट में। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि यार टॉप अप रिवॉर्ड में क्या आने वाला है। तो गाइस हो सकता है कुछ लोगों को ऑलरेडी पता हो, बट नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट टॉप अप रिवॉर्ड होने वाला है हमारा नया पैट, जो भी वो चूहे जैसा पैट है ना, चूहा या खरगोश जो भी है, वो हमें देखने को मिलने वाला है। तो गाइस आपको 100 डायमंड का टॉपअप करना पड़ेगा आपका चूहा निकालने के लिए, मतलब नया पैट निकालने के लिए, जिसका नाम है एजेंट होप, होप HOP, ठीक है ना। उसके बाद गाइस आपको
300 डायमंड में उसकी पैट की एक स्किन देखने को मिलेगी जिसका नाम है कार्निवल एजेंट होप। फिर गाइस 500 डायमंड में आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक और उसकी स्किन जिसका नाम है साइबर एजेंट ऑफ, और फिर एक उस पैट का इमोट। तो गाइस जिसको चाहिए वो निकाल सकता है, एबिलिटी वगैरह मुझे ध्यान नहीं है। इस पैट की एबिलिटी मैं मेरे कम्युनिटी टैब पर अपडेट कर दूंगा, बट अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक ठाक सी चीज़ है वैसे, इतने भी ज़्यादा कुछ खास लगी नहीं है मुझे। इन दी एंड सब एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि इसको निकालना चाहिए नहीं। तो गाइज यही कुछ इवेंट्स एंड अपडेट्स जो गेम के अंदर बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो को ही रैप अप करते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको इस पैट की एबिलिटी पता हो तो। सो गाइज बाय बाय।